तो आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्टार्ट करने वाले हैं फ्लोर्स। फ्लोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, फ्लोर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स की जो फ्लोरिंग है हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे डिफरेंट बिल्डिंग्स के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लोर्स के बारे में और क्या फंक्शन है, क्या इम्पोर्टेंस रहती है फ्लोर्स की, और कुछ टेक्निकल टर्म्स रहती हैं फ्लोर्स के अगर हम बात करें तो फ्लोर्स की, जैसे फ्लोर फिनिश क्या है या टॉपिंग क्या होती है। तो जो फ्लोर से रिलेटेड जो भी हमारी ग्लॉसरी टर्म्स रहेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। ओके, तो सबसे पहले हम फ्लोर्स के बारे में जानते हैं। तो फ्लोर क्यों प्रोवाइड करते हैं? फ्लोर्स आर प्रोवाइडेड ए लेवल सरफेस। लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, और पार्टीशन के लिए भी हम क्या करते हैं, अगर फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, तो फ्लोरिंग होती है हमारी, और जहाँ पे लोग जो लाइव लोड है या डेड लोड्स हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम फ्लोर्स की। तो द सरफेस प्रोवाइड्स सपोर्ट्स टू द सरफेस प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग इन द बिल्डिंग्स लिविंग इन द बिल्डिंग्स फर्नीचर इक्विपमेंट एंड in some cases internal walls should possess sufficient strength and sufficient fire resistance fire resistance. It should also possess the properties of dampness, resistance, thermal insulation, and sound insulation. Damp insulation, thermal insulation, and sound insulation. ठीक है जी, तो हमारा जो फ्लोर है वो एक लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए प्रोवाइड करता है हमारे बिल्डिंग्स में। तो
हम जो लेवल से फेस है वहाँ पे हम जो लोग रहते हैं उसको सपोर्ट करने में, हम कहते हैं जो बिल्डिंग्स में या फर्नीचर को सपोर्ट करने के लिए, जहाँ हमारे इक्विपमेंट्स हैं और सम केसेस हमारी जो पार्टीशन इंटरनल वॉल्स होती हैं उनकी, उनको भी सपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो हमारे फ्लोर हैं ये एक सफिशियंट स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, एक सफिशियंट जो हमारा फायर रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। और जो डैम्प रेजिस्टेंस की बात करें, साउंड इंसुलेशन की बात करें, थर्मल इंसुलेशन की बात करें, तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी प्रोसेस करती है फ्लोर। तो आगे हम बात करते हैं फ्लोर्स की इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस क्या रहती है फ्लोर्स की, क्यों हम फ्लोर प्रोवाइड करते हैं, क्या इम्पोर्टेंस रहेगी जो हम फ्लोर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट बहुत सारी फ्लोर्स हैं, टाइल फ्लोरिंग है, कंक्रीट फ्लोरिंग है, आरसीसी फ्लोरिंग है, टिम्बर फ्लोरिंग है, ट्राजो फ्लोरिंग है, सेरामिक फ्लोरिंग है, बहुत टाइप्स की हमारी फ्लोरिंग होती है अलग अलग तरह की। एज पर द रिक्वायरमेंट्स, एज पर द एस्थेटिकल अपीयरेंस हम प्रोवाइड करते हैं, एज पर द जो हमारी कोस्ट है, जो हमारा प्रोजेक्ट का कोस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग भी हम उस टाइप की क्या करेंगे फ्लोरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस की। तो इम्पोर्टेंस क्या रहती है हमारे फ्लोर्स की, इम्पोर्टेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं हम फ्लोरिंग और क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है जी, तो जो फ्लोर है वो प्लिंथ लेवल और जो हमारा रूफ लेवल है उसको डिवाइड करता है। ये हमें पता होना चाहिए, जो हमारा फ्लोर है वो प्लिंथ लेवल और जो हमारी रूफ लेवल है उसको डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो बेसमेंट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर रेस्ट डायरेक्टली ऑन ग्राउंड एंड डू नॉट रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ ए फ्लोर, बट सच फ्लोर आर प्रोवाइडेड विद सुटेबल टाइप ऑफ फ्लोरिंग। तो जो हमारे फ्लोर्स हैं ये प्लिंथ लेवल और जो हमारा रूफ लेवल उसको डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, दिस प्रोवाइड नेसेसरली सपोर्ट टू द यूजर्स लिविंग इन द बिल्डिंग्स। यानी कि बहुत सारे जो हमारे बिल्डिंग्स के फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, एटसेट्रा, जितने भी फ्लोर रहेंगे वहाँ पे लोगों को रहने के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो हम लोग रहते हैं, तो ये भी एक फंक्शन है, इम्पोर्टेंस है इसकी हमारे फ्लोर्स की। तो क्या रहेगा, दिस प्रोवाइड्स नेसेसरी necessary support to the users, support to the users, support to the users living at various floors, living at various floors, that is ground, first, second, etc. ठीक है जी, first, second floors में जो हमारे लोग रहते हैं उनको support करने पे क्या करता है ये, इसकी importance रहती है। These help in preventing the entry of moisture. ठीक है जी, तो इनटू द बिल्डिंग्स बाय कैपिलरी एक्शन, इनटू द बिल्डिंग्स बाय कैपिलरी एक्शन। ठीक है जी, तो जो क्या करता है, जो हमारी जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को एंट्री होने से जो एंटर कर जाता है उससे बहुत ज्यादा डैमेज होती है, हमारे बहुत सारे जो इल इफेक्ट्स हैं बिल्डिंग में आ सकते हैं, तो उसको भी प्रिवेंशन करने में हेल्प करता है। ये बहुत बड़ी हमारी जो फ्लोर है इंपॉर्टेंस रहती है इनकी। ठीक है जी, तो दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ए लेवल सरफेस इन द इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग, दिस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग a level surface in the inside
ऑफ द बिल्डिंग इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग्स और विच हेल्प्स इन प्लेसिंग वेरियस फर्नीचर आइटम्स विच हेल्प्स इन प्लेसिंग वेरियस types of furniture, various types of furniture items at one level, items at one level, ठीक है जी। तो बहुत सारे जो हमारे बिल्डिंग के अंदर जो लेवल सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से हम जो फ्लोर है उसमें हम फर्नीचर्स के जितनी भी आइटम्स हैं वो हम रख सकते हैं आसानी से एक लेवल पे, तो ये इम्पोर्टेंस रहती है हमारे फ्लोर्स की, ठीक है जी। तो दे गिव प्लीजिंग अपीयरेंस, दे गिव प्लीजिंग अपीयरेंस, ठीक है जी। तो एक प्लीजिंग अपीयरेंस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है हमारा जो फ्लोर है, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें बहुत सारी जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं फ्लोर के केस में जो रिलेट करती हैं फ्लोर से, उसके बारे में जान लेते हैं। टेक्निकल टर्म्स क्या रहेंगी जो हम फ्लोरिंग के केस में हम डिस्कस करेंगे, वो इम्पोर्टेंट रहती है। टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे से पूछी जाती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, इम्पोर्टेंट टर्म्स करते हैं फ्लोर फिनिश की। फ्लोर फिनिश क्या है? फ्लोर फिनिश, द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लोर इज कॉल्ड फ्लोर फिनिश। जो टॉप सरफेस रहेगा फ्लोर का उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोर फिनिश, या हम इसको बोल देते हैं वीरिंग सरफेस, ठीक है जी। द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लोर, द टॉप सरफेस ऑफ द फ्लोर, top surface of the floor is called floor finish, is called floor finish or veering surface, ठीक है जी। और दूसरा क्या रहेगा हमारे जो important terms में topping के बारे में जानेंगे, तो topping क्या है? जो
हमारी लेयर ऑफ मटेरियल है प्रोवाइडेड की जाती है बिटवीन द बेस एंड टॉपिंग। तो बेस कोर्स और टॉपिंग के बीच में जो एक लेयर प्रोवाइड करते हैं मटेरियल की, उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर लेयर। ठीक है जी। द लेयर ऑफ मटेरियल, द लेयर ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड बिटवीन द बेस एंड टॉपिंग, बेस एंड टॉपिंग। ठीक है जी। तो बेस और टॉपिंग के बीच में जब एक लेयर हम मटेरियल की लेयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं अंडर लेयर, कॉल्ड अंडर लेयर, इज कॉल्ड अंडर लेयर। ठीक है जी। और अगर हम बात करें फ्लोर फिनिश टॉपिंग के बाद बेस कोर्स की, तो बेस कोर्स क्या रहता है फ्लोर के केस में? ठीक है जी। तो सारे की सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये हमें पता होनी चाहिए, और ये हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हमें से पूछे जाते हैं तो ये हमारी टेक्निकल टर्म्स हमेशा पूछी जाती हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं बेस कोर्स की। तो बेस कोर्स क्या रहेगा? बेस कोर्स, ठीक है जी। तो बेस कोर्स के बारे में जानते हैं, द प्रिपेयर्ड सरफेस ऑन विच द टॉपिंग और अंडर लेयर इज लेड। जिस हमारे जो एक प्रिपेयर्ड सरफेस रहता है जिसपे हम टॉपिंग और अंडर लेयर हम क्या करते हैं प्लेस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस कोर्स। ठीक है जी। द प्रिपेयर्ड सरफेस, द प्रिपेयर्ड सरफेस ऑन विच द टॉपिंग, ऑन विच द टॉपिंग एंड टॉपिंग और अंडर लेयर, अंडर लेयर टॉपिंग और अंडर लेयर इज लेड इज कॉल्ड बेस। लेड इज, लेड इज कॉल्ड बेस। ठीक है जी। और एंड द लेयर ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड एंड द लेयर, बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। तो ग्राउंड फ्लोर क्या रहेगा? ग्राउंड फ्लोर, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ ए एट द प्लिंथ ऑफ द बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर क्या है? जहां पे फ्लोर क्या होगा हमारे जो प्लिंथ कंस्ट्रक्शन की जाती है वहां पे हम क्या बोलेंगे उसको? ग्राउंड फ्लोर। ठीक है जी। द फ्लोर्स कंस्ट्रक्टेड, द फ्लोर्स कंस्ट्रक्टेड, the floors constructed at the plinth level of the building, at the plinth level of the building is called ground floor। ठीक है। तो ground floor क्या है? वो floor जो plinth level पे provide किया जाता है, construct किया जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद हम बात करते हैं बेडिंग की। बेडिंग क्या है? ये सारी की सारी जो टेक्निकल टर्म्स हैं फ्लोर की से रिलेट करेंगी, सारी की सारी जो टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं फ्लोर के केस में। ठीक है जी। तो बेडिंग क्या है? इट इज द लेयर ऑफ मोर्टर अप्लाइड टू द बेस, इट इज द लेयर ऑफ मोर्टर, लेयर ऑफ मोर्टार अप्लाइड टू द बेस और सब फ्लोर, अप्लाइड टू द बेस और सब फ्लोर, बेस और सब फ्लोर, बेस और सब फ्लोर एंड ब्रॉट द सेम टू ए डिजायर्ड लेवल, and brought
एक डिजायर लेवल हमें प्रोवाइड करना होता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बेडिंग, ठीक है जी, फ्लोर के केस में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपर फ्लोर्स की, तो अपर फ्लोर क्या रहेगा, तो ये टेक्निकल टर्म सारी की सारी हमें पता होनी चाहिए, अपर फ्लोर क्या है और बेडिंग क्या है और हमारी जो बेस कोर्स है, फ्लोर फिनिशिंग है क्या होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपर फ्लोर्स की, उसको हम क्या बोलते हैं, अपर फ्लोर। These are the floor constructed above the ground level. Suspended floors are generally made of timber. Suspended floor is generally made of timber. ठीक है, ज्यादा हमारे जो suspended floors हैं वो किससे बने होते हैं, timber से बने होते हैं। जो हमारे जो floor हैं constructed किए जाते हैं above the ground level, उसको हम क्या बोलते हैं, upper floors। ठीक है जी, उसके बाद हम solid floor की बात करते हैं, तो solid floor क्या रहेगा, सॉलिड फ्लोर्स। ठीक है, सॉलिड फ्लोर के बारे में जान लेते हैं, दीज आर द डोम फ्लोर्स सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। ठीक है जी, तो जो हमारे फ्लोर्स डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं ग्राउंड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्लोर्स। ठीक है जी, दीज आर द फ्लोर्स डायरेक्टली supported directly on the ground. ठीक है, तो ground पे जो हमारे जो floor हैं वो support करते हैं directly, उसको हम क्या बोलेंगे, solid floors। तो ये सारे के सारे हमारे technical terms हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोर की, तो कंपोनेंट्स हमारे जो रहते हैं फ्लोर के, वो दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम अलग जो है हमारे, उसको हम एक सब फ्लोर का नाम दे देते हैं और दूसरा क्या होते हैं, फ्लोर कवरिंग या पेविंग नाम दे देते हैं। ठीक है जी, तो कंपोनेंट्स भी रहते हैं हमारे, और कुछ हमारे जो टाइप्स की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे जो टाइप्स रहेंगे फ्लोरिंग के, कौन कौन सी टाइप्स की फ्लोरिंग है, और कुछ जो हमारी इम्पोर्टेंट फ्लोरिंग्स रहेंगी, जैसे सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग है, आरसीसी फ्लोरिंग है और टिम्बर फ्लोरिंग, इसके बारे में हम जानेंगे क्या होती है सारी की सारी जो फ्लोरिंग रहेंगी और कंपोनेंट्स क्या हैं फ्लोर के, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे इसके बारे में, फ्लोर्स चैप्टर में।